लाहौर चिड़ियाघर में गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए गए बंदर पाकिस्तान में मंकी वायरस का सबब बन गए। पाकिस्तान में जानवरों की गैर कानूनी तजारत और स्मगलिंग एक बार फिर संगीन खदशात को जन्म दे रही है। एक ख़तरनाक गैर कानूनी तजारत स्मगलिंग के दौरान अफगानिस्तान के रास्ते बनीन से ताल्लुक़ रखने वाले बंदरों को गैर कानूनी तौर पर लाहौर चिड़ियाघर में मुंतकिल किया गया है। मंकी वायरस से मुतासर इन बंदरों को बगैर किसी तिब्बी जांच पड़ताल और ज़रूरी तहकीकात लाहौर चिड़ियाघर में कबूलियत न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुल्क में मंकी वायरस के फैलाव का सबब भी बन रही है। इस ख़तरनाक अमल में जानवरों की सेहत और हिफाजत के लिए कोई ज़रूरी इक़दाम नहीं किए गए। ये बात 100% यकीनी है कि इन जानवरों को बगैर किसी तिब्बी मुआयने के पाकिस्तान में दाखिल किया गया है, जिससे ना सिर्फ इनकी सेहत बल्कि मुल्क को अक़वाम की सेहत भी ख़तरे में पड़ गई है। इस वाक़े के बाद आवामी और माहौलियाती हल्के हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि ना सिर्फ इन जानवरों को वापस इनके मुल्क भेजा जाए बल्कि इस गैरकानूनी स्मगलिंग के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की जाए। चिड़ियाघरों में जानवरों की तिब्बी जांच पड़ताल के निज़ाम को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके और मुतल्लिका इदारे इस मसले को संजीदगी से लें और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। गैर कानूनी स्मगलिंग और जानवरों की गैर कानूनी दरामदात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई ही इस मसले का वाहिद हल है।